सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, ठंडी बहुत ज़्यादा है, इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है कि मैं बता नहीं सकता कितनी ठंडी है। बाहर तो मतलब 8:30 बज रहा है और अभी उजाला हुआ है, अभी तक अंधेरा अंधेरा सा छाया था भाई बाहर, और कोहरा भी है और मुझे थोड़ी थोड़ी जुकाम भी है। ओह, कल रात को क्या कहते हैं, मैं गया था एनुअल फंक्शन में। हाँ, तो उधर ही पर भाई बहुत ठंडी थी भाई, उधर पर बहुत। 8 बजे आया था मैं उधर से, और 8 बजे भाई इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी। और एक तो बैठा दिया था भाई उन लोगों ने खुले मैदान में, ना ऊपर से भाई कवर था ना कुछ, इतनी जोर से हवा चल रही थी ना। और मैंने कुछ पहना भी नहीं था, अंदर से एक इनर और ऊपर से एक स्वेटर, बस इतना ही पहना हुआ था। और कैप ऐप भी कुछ नहीं लगाई हुई थी, कानान पूरे खुले थे। तो भाई कल लग गई उधर पर वाट बहुत ज़्यादा। और कल मैंने क्या कहते हैं व्लॉग भी नहीं किया, क्योंकि कल मैं सारा दिन घर में रहा हूँ और कल मैं सारा दिन सोया हूँ। कल मैं शाम को उठा हूँ, कितने बजे उठा हूँ बताता हूँ, 4:30 बजे उठा हूँ मैं। अब बताओ, सारा दिन लेटा रहा हूँ, सारा दिन कहीं कुछ नहीं किया, तो भाई अब कैसे व्लॉग करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। सारा दिन लेटे 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 कैसे ही व्लॉग होगा। तो अब कल भी पढ़ाई नहीं हो पाई है, अब आज से होगी पढ़ाई भाई। अब आज मैं सब लेके बैठा हूँ और आज पक्का पढ़ूंगा भाई। अगर अब नहीं पढ़ा तो भाई एग्जाम में फिर कहीं फेल एल ना हो जाऊँ मैं, मुझे तो अब ये डर लग रहा है। तो अभी ब्रश भी नहीं किया मैंने, अभी ब्रश करूँगा, नाश्ता करूँगा और फिर उसके बाद पढ़ाई में लग जाऊंगा भाई। तो गाइस, आज का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा डाउन है, देख लो हर तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है। और 10 बज रहा है और अभी तक मतलब कि क्या कहते हैं कोई वो नहीं है धूप के आसार, और मुझे लगता भी नहीं है कि आज क्या कहते हैं धूप निकलेगी भी। तो आज तो भाई बहुत ज़ोर की कड़ाकेदार ठंड है। अब लग रहा है मतलब अब 25 दिसंबर आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, अब लग रहा है कि हाँ अब ठंड बढ़ रही है। अभी तक तो ऐसा था कि ठंड बढ़ ही नहीं रही थी, लग रहा था कि बस इस साल ऐसे ही निकल जाएगा बिना ठंड के। बहुत ठंड है भाई, कसम से ठंड। देख रहा हो कैप ऐप लगा के भाई, सब लोग भाई बच के रहो भाई ठंडी से, ये ठंडी लग जाती है ना, बहुत दिक्कत हो जाती है भाई। तो अभी मैंने पढ़ाई से थोड़ी देर का लिया ब्रेक, क्योंकि बज गया था 12 और फिर मैं गया जल्दी से, मैंने ब्रश किया। अब देख रहा हूँ बाल लाल कैसे से हो गए हैं, अभी नहाया भी नहीं है मैंने, भूख लग रही थी मुझे बहुत ज़ोर से पढ़ाई करते करते। तो लेके आया मैं खाना, घर में कोई है नहीं, मैं अकेले हूँ, मम्मी गई स्कूल और पापा गए बाहर थोड़ा काम से। तो देखो इधर पर ये रहा खाना, इधर पर पनीर और इधर पर मशरूम अचार रोटी ही लगी हुई, और सामने मेरा चालू हो गया नेटफ्लिक्स, कॉपी बंद कर दी है और इधर पर रखी है मेरी ये खीर गाजर की। तो अब फिर से मैं ये खाना ना खा के मतलब खाना खा के फिर से मैं अब पढ़ाई चालू कर दूंगा थोड़ी देर में। तो गाइज अभी क्या कहते हैं गौरव की कॉल आ गई और उसने मुझे अचानक से बुला लिया, कहता है कि चलो चलते हैं थोड़ा मुझे काम है, तो अभी जा रहा हूँ मैं उसी के पास ही। और उसने मुझे कहा है कि उसके पास स्कूटी तो है, तो हम दो लोग हैं तो बाइक में लूँगा नहीं, ये रहा मेरा मफलर भाई, ले लिया जाए। आज बहुत ठंडी, आज सारा दिन हो गया धूप नहीं निकली, तो लाइट्स भी ऑफ, ताला चाबी, मम्मी भी नहीं है घर में, तो लगा देता हूँ गेट वगैरह। ये रही स्कूटी बाइक दोनों, तो निकलता हूँ मैं फटाक से, ये रहा ताला लगाता हूँ। तो गाइज मैं अभी डाकू बन के घूम रहा हूँ, क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है, और मैं घूम रहा था स्कूटी में गारों के साथ। और अभी गए थे राम लखन को उसके घर छोड़ आए, बहुत दूर है भाई उसका घर। और अब मैं आया हूँ अपनी बाइक लेने, घर के बाहर खड़ा हूँ अपने, और मम्मी से बोला है गेट खोलने के लिए, मम्मी पता नहीं कब आएगी, कब गेट खोलेगी। और फिर मैं निकल रहा हूँ, अपनी बाइक उठाऊँगा और निकलूँगा तुरंत कुन्नू के यहाँ। बहुत दिन हो गए भाई, गया ही नहीं मैं अभी तक कुन्नू के पास एक भी दिन उससे मिलने के लिए। तो देखता हूँ कितनी देर में अभी मम्मी आती है, छत में थी वैसे, देखते हैं।
तो प्लान में थोड़े अचानक से चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि अभी रामलखन का तुरंत फ़ोन आया मेरे पास और रामलखन बोला कि उसे कुछ काम है थोड़ा, तो इसलिए पहले मैं जाऊंगा उसके पास। तो घर थोड़ा उसका दूर था, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई स्वेटर में कुछ नहीं होगा, इतनी कड़ाकेदार ठंड है ना बाहर, भाई पूरी धूप ख़त्म हो गई, शाम के 5 बज रहे हैं। तो स्वेटर मैंने फेंक दिया, ये रहा साइड में, और फिर मैंने पहन ली अपनी जैकेट और अब मैं निकल रहा हूँ घर से। पहले जाऊँगा रामलखन के पास, अगर फिर मन किया तो फिर कुणाल के यहाँ, वहाँ से जाऊँगा, फिर पता नहीं आगे का पहले से बता नहीं सकता मैं। तो पहले तो फटाक से निकलता हूँ, उसका 4 बार कॉल आ चुका है भाई, देखते हैं क्या ही अचानक ऐसा ज़रूरी काम है भाई जिसके लिए वो बुलवा रहा है मुझे। भाई बड़े लोगों का बड़ा फ़ोन, लेकिन वीडियो से ज़्यादा अच्छा भाई, क्या कहते हैं, सामने सामने दिख रहा है, पता नहीं वीडियो में इतना अच्छा क्यों नहीं दिख रहा है। कुछ भी हो, लेकिन इसकी लाइटें भाई सामने सामने बहुत जबरदस्त दिख रही है भाई। क्यों सो रहा है भाई, मत सोना भाई। क्या करूं बता, एक काम करने को बता दे, चल करते हैं भाई। है? हाँ। मैं बोलूंगा तो तुम कर नहीं पाओगे। बोल। नहीं भाई, अब कल ही चलते हैं, वे कोई और भी नहीं है। सही कह रहा है भाई, रामलखन भाई इस समय भाई मर सा गया है, पता नहीं पता नहीं क्यों, कुछ भी बोलो साले को, अब वो अलग ही भाई, अलग ही सिस्टम में रहता है साला। क्या हो गया उसे? कुछ नहीं भाई, बता ना। अरे कुछ नहीं भाई, ऐसे ही। अरे बता ना। अरे ले, अभी इसकी व्लॉग बना रहा है क्या? हाँ भाई, ये देखो भाई। हेलूंगा इन्हें, मैं स्टैचू बन जाऊंगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई। भाई आजकल कुछ अच्छा हो नहीं रहा है मेरे साथ, क्या बताऊँ, बहुत बोरियत भरी ज़िंदगी चल गई है भाई जब से मैं घर आ गया हूँ, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ, व्लॉग क्या करूँ। मैं सुबह उठता हूँ 10 बजे और उसके बाद फिर लेटा रहता हूँ, बज जाता है 12-1, फिर उसके बाद लैपटॉप चालू करता हूँ, थोड़ा मूवी मस्ती, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, और फिर उसके बाद सो जाता हूँ, फिर शाम को उठता हूँ, शाम को कहीं जाता हूँ तो ठीक है, नहीं जाता तो पढ़ा ही रहता हूँ भाई, कहीं जा भी नहीं रहा हूँ, क्या करूँ। सबको फ़ोन करो भाई, घर आ जाओ लेने, ठंडी बहुत है। अरे भाई आज का प्लान कैंसिल करते हैं, कल चलते हैं, कल चलते हैं, रोज़ ऐसे प्लान कर करके मैं क्या बताऊँ। अभी लोग मम्मी मेरा व्लॉग ही देख रही थी, लेकिन वो 3 दिन पहले का है, बताओ। कहीं जा ही नहीं पा रहा हूँ, जा ही नहीं पा रहा हूँ, जा ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं, जा क्या नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ भाई, क्या करूँ, कुछ करने को नहीं, घर में पड़े रहो, देखो अभी भी 13 Reasons Why चल रहा है भाई, ज़िंदगी ख़त्म हो गई भाई, कुछ नहीं कर सकते। तो भाई लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आ गया हो, नहीं आया हो तो भी लाइक कर देना। मिलते हैं कल नए व्लॉग पे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।